अबे आराम से करना यार, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अबे ये बात तू पीटने वालों से ना बोल पाया? उनसे बोलता कि भाई आराम से पीटो, उतना पीटो जितना हमारी बीवी हमारी शिकायत कर सके। फालतू बात कर रहा है, देखो साले पूरा शरीर जो है चुकंदर की तरह लाल हो रखा है। आराम से करो। अबे तू चुपचाप शिकायत करेगा, सब्जियों के रंग मत गिना, पहले इतना दर्द हो रहा है, बकवास करे जा रहा है। जीजाजी छत पर है। कभी ना मर जाइए। आइए आइए आइए, आप भी आइए। जीजाजी, जीजाजी छत पर हैं? नहीं, जीजाजी छत पर नहीं, अपने चौथे की तैयारी कर रहे हैं। हेलो पिंटू जी। हेलो सुनीता जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। चीजा जी, मैं तो आपसे सॉरी बोलने के लिए आई हूँ, जो वो उधर हुआ ना बाहर, इसलिए। नहीं नहीं इलायची जी, सॉरी आप क्यों बोलेंगी? सॉरी तो हम बोलेंगे ना, हमारे मुंह में दूध की बोतल है ना, हमारे हाथ में झुंझुना, लेकिन फिर भी आप हमेशा हमें बच्चों की तरह बेवकूफ बना देती हैं और हम बन भी जाते हैं। सॉरी बोल रही हूँ, तो माफ कर दीजिए ना, ज़्यादा नाटक मत दिखाइए फ्री फंड का। क्या बात है लाइसी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका ये सॉरी मांगने का अंदाज ना दुनिया में सबसे अलग है। समझ में नहीं आ रहा कि आप सॉरी मांग रही हैं कि सॉरी छीन रही हैं। अबे क्यों चहचहा रहा है? कोई पहली बार कुट के तो आया ना उनकी वजह से, तू तो जब तक पिटता रहता है। अब जब इतने प्यार से माफी मांग रही है, कर दे माफ। हाँ जीजा जी प्लीज कर दो ना। जीजा जी माफ करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखिए रायची जी, आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आप हमें आपसे बात ही नहीं करनी है, ये ऊपर नीचे का टंटा खत्म करिए, बस दूर रहिए हमसे, अब आप इधर आना बंद करिए। क्या कहा? क्या कहा आपने? इतनी शरावत से ना माफी मांग रही हो और ये सिला दे रही है। देख रहे हो ना पिंटू जी? अरे यार ठीक है, मतलब कोई मतलब नहीं रखना है ना? नहीं। फाइन, तो फिर कोई मतलब नहीं रखते, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ऊपर नीचे का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। अरे इलायची जी कैसी बात कर रही, कहीं वो सीढ़ी मत निकाल देना, नहीं छत से नीचे कूदे ना तो बरसाती से भी ऊपर चले जाएंगे फिर। नहीं, दूरी बढ़ानी है ना, तो अब ढंग से दूरी बढ़ाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं ना पापा से जाके बोलती हूँ कि आपके घर में दो जवान मासूम बेटियां होने के बावजूद आपने बरसाती में दो सांड टिका रखे हैं, जो आपको इतने महीनों से धोखा दे रहे हैं। हटो हटो हटो, सब बता दूंगी चल सुनो। अरे मैं सांड कहाँ हूँ? पापा जी, पापा। ये जी। क्या बात है चटंकी भैया, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो हा? और ये स्पेशल पराठों का ऑर्डर दिया, बात क्या है? अरे जी जी बात ही कुछ ऐसी है। जी जी तू ना मेरे लिए पैसों का गल्ला ले ले, समझ गए, पैसों की बहुत बारिश होने वाली है और जी जी मैं इसको अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, तेरी जरूरत पड़ेगी मुझे, समझ गई? इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि पिछली गली में नया ATM खुला है, फिर तो भाग फूट गए। अरे जी जी तू पहले बात मेरी बात तो सुन लिया कर, तेरे भैया ने ना बहुत जबरदस्त बिजनेस खोला है, घोड़ी सर्विस खोल ली है मैंने, और शादी का शाहलक भी आने वाला देखती जा तू बस। सच कह रहा चटंकी भैया? तेरी कसम बाहर बांध के आ रहा हूँ, समझ गए? हाँ। एक मिनट रुक, लॉटरी, ओ लॉटरी। हेलो बोल रही है तेरे को? अब देखना
घोड़ी कैसे चने खा करके पैसा बोलेगी? और चटंकी इस चांदनी चौक का बहुत बड़ा करोड़पति बन जाएगा, बात को देखना तू। इलायची जी, पापा, अंकल जी। इलायची जी, हट, इलायची जी। अरे भैया गला क्यों फाड़ रही है? मुंह से बोलेगी इलायची, क्या बात हो गई? पापा। अरे इलायची क्या हुआ? इलायची जी, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज मत करिए, मत करिए ना प्लीज। देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफी कर दीजिए, मतलब माफी दे दीजिए। पापा। इलायची जी मत करिए प्लीज। पापा, अंकल जी, पापा, आंटी जी, पापा, आंटी जी, पापा, आंटी जी, पापा, आंटी जी। अरे बोल पक्का बोल ले। बोलना सुनो। आंटी जी। अरे यार ये आकाश बाड़ी बात हो गई, मुंह से बोलोगे गले से कुछ बोलोगे? कुछ समझ में आए हमारे? इलायची जी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। आपने कहा था ना कि आप हमें छत पे नहीं देखना चाहते, हम ना आए, है ना? पापा। आंटी जी। अरे इलायची जी ये क्या बोल रही हैं आप? ये घर आपका है, ये छत आपकी है, हम भी आपके। आपका हमारे कहने का मतलब ये कि इलायची जी प्लीज ऐसा मत करिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं ना, प्लीज बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज 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 ऐसा मत करिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज प्लीज। सुनीता जी, सुनीता जी, नहीं नहीं सुनीता जी। चटंकी भैया तुम जरा देखा हो ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे जी जी देखना क्या है, वो इलायची और सुनीता पंचम को किसी बात पर धमकी दे रही होगी, और पंचम और पिंटू जो है उसके पैरों पे गड़गड़ा रहे होंगे कि बोलिए मत, बोलिए मत, बोलिए मत। हम समझते हैं लीचड़ों को, तुम दही खिलाओ, लाओ 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 लाओ। प्लीज प्लीज देखिए आपको हमारे संगीत का वास्ता है, प्लीज इलायची जी प्लीज एक बार ही सोच के तो देखिए, अगर हम छत पे नहीं होंगे तो आप किसको तंग करेंगे? ये तो है, लेकिन आपने मेरी इतनी बड़ी वाली इंसल्ट की है ना, कि उसकी सजा भी बहुत बड़ी वाली होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत अच्छा है और मैं आपको माफ कर सकती हूँ अगर आप मुझे मूवी दिखाएं लेके चले। बोलिए मंजूर। मंजूर है, लाइसी जी मंजूर है, पिक्चर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कुछ नहीं, एक छिपकली थी, भगा दिया उसे। भाई बच गए। बेटा छोटे कैसा लगा रिश्ता तेरे को? तुझे नहीं पता बेटा कितनी काट छाट के बाद मैंने तेरा ये रिश्ता बनवाया है। अब बेटा बस तू हाँ कर दे। मैंने बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी कर रखी है बेटा, पटेल नगर के बहुत बड़े लोग हैं, बड़े नामी गिरामी लोग हैं, बहुत बड़ी दुकान है इनकी, और बेटा मेरा लाया रिश्ता 100% बढ़िया होता है, जो मैं कह रहा हूँ गारंटी से। क्यों मौसा, किसकी बर्बादी की गारंटी ले रही हो फिर से? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी बहुत अच्छे टाइम पे आए, मैं क्या कह रही हूँ दरोगा जी, मौसा मेरे लिए शादी के लिए मतलब लड़की ढूंढ रहे हैं, पटेल नगर की हैं सब लोग, और उनकी सक्सेना हार्डवेयर है उसके मालिक हैं, आप जानते हो, थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत जानकारी हो तो मेरा काम हो जाएगा, टेंशन नहीं हो रही है शादी। हाँ पिंकी जी अच्छे से जानते हो ने? ले ओ सेठ जी, पता एक बार गए थे पिंकी जी एक केस के लिए उनके पास, वो इतने खुश हो गए पिंकी जी से कि उन्होंने गिफ्ट दिया था इम्पोर्टेड फव्वारा बाथरूम में लगाने के लिए, जिसे थाने के नल में लगा के सब्जियां धोते हैं। साहब जी मैं तो तारीफ कर दिया था, बढ़िया फव्वारा एकदम। अरे दरोगा जी मुंह मत खुलवाओ मेरा, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा सुनो ऐसा है, मैं पूछ रहा हूँ वो छोटे के लिए ना शादी का रिश्ता आया है, इसलिए सिर्फ इतना बता दो कि फंक्शन कर लो बताओ रिश्ते की बात करो 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 दूसरी चीज। अरे वो सक्सेना हार्डवेयर की
जो बेटी है ना वो हमेशा घूंघट में रहती है। हाँ। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब सामने से कैसी दिखती है, इतना बता दो बस। सेठ जी, वो मतलब घूंघट उठे या गिरे जैसी भी होगी, इससे तो अच्छी होगी ना वो। इसको देख लो, ए तू देख, आईना देख ले, ये कहाँ का राजकुमार हो रखा है जो घूंघट के नीचे से कोई राक्षसनी के निकलने से डर रही है ये। अपना छोटे पिंकी जी इज जस्ट जोकिंग भाई। साला जोकर। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि बगल में ना सर्कस चल रही है, जोकर देखने चले। सर्कस मंगी लाल, तो पिंकी जी को इतनी देर बाद बता रही है। पिंकी जी को जोकर बहुत पसंद है। आई लव जोकर, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल चल तू साले, ओ चल तुझे मैं दिखाता हूँ, आजा जोकर दिखाता हूँ। सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ देखो, ऐसी करो, इन दोनों से कुछ ना हो पाएगा। सुनो, तुमको जुगाड़ बताओ, कोई उपाय करो। छोड़े सुन, वो लड़की का बाप बार बार कह रहा था ना कि उसकी लड़की की शक्ल जो है उसकी माँ से मिलती है, तो तू माँ को जब देखेगा तो तुझे अंदाजा आ जाएगा ना कि लड़की का थोपड़ा कैसा है। सही कह रहे हैं सेठ जी। वाह सेठ जी वाह, मतलब सुनो। अरे बस 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 बस, मौसा हाँ समझ रहे हो ना, देखो सेठ जी भी जोश में हैं, अब काम पे लग जाओ, टाइम ना है बिल्कुल। अच्छा बेटा ये ले। पिंटू भाभी, पिंटू जी, ये मूवी कितनी रोमांटिक है ना। सुनीता जी, एक दिल की बात बताएं आपको। हाँ जी, मतलब सच बता रहे हैं आपको, मेरा ध्यान जो है ना फिल्म में बिल्कुल भी ना आया। मेरा ध्यान जो है ना इस समोसे में आया। ये हॉल का जो समोसा ना एकदम खस्ता, बहुत बढ़िया स्वाद है इसका, बाहर तो ऐसे समोसे मिलते ही ना। तो फिर ना पिंटू जी, आप एक काम कर लीजिए, आप ना मेरी जगह ना की सीट पे एक प्लेट समोसा बिठा लीजिए, मैं जाती हूँ घर में, क्या करूँ यहाँ पर। आप बैठो बैठो, ऐसी बात ना है, दरअसल हम आपको बता नहीं पाए, बात यह है कि आपके साथ बैठ के हमको सिरहन सी हो रही है, लेकिन हमने आपको बताया नहीं कि आप बुरा मान जाएंगे और कहीं थप्पड़ अप्पड़ मार देंगे। लेकिन सच बताएं, मतलब हमारे दिल में जो था हम बोल नहीं पाए, हमारे दिल की बात दिल में ही रह गई, मुंह तक नहीं आ पाई। अच्छा हाँ। तो ना दिल की बात को ना दिल के अंदर दबा के रख लो, मैं नहीं बात करने वाली अब आपसे। अरे आप तो बुरा मानेंगे, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। वो क्या है ना पिंटू जी, मुझे ना आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ना बड़ी क्यूट हो। पिंटू जी, क्यूट वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी, सुनो तू, आपको नहीं लग रहा है ये मूवी थिएटर एकदम बुद्धा पार्क ही बन गया हो? यार हर जगह इश्क ही मतलब टपक रहा है। देखो देखो पीछे देखो पीछे देखो। इलायची जी क्या कर रही हैं आप? हमने इतने सारे पैसे खर्च के फिल्म की टिकट लिए, पिक्चर देखने आए ना, पिक्चर देखिए, देखिए कितना अच्छा सीन चल रहा है। यहाँ हमारा सीन तो बन नहीं रहा है, फिल्म के सीन की पड़ी है, बहुत बढ़िया। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, आप मूवी देखो ना। हाँ, कोई फोकस करो। हाँ, वही देख रहे हैं। सूरज, तुम मुझसे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह रहे हो? मेरे पापा मेरी शादी और कहीं करा देंगे। जीजा जी, या ना देखो, अपनी महबूबा को ना टाइम पे प्रपोज कर देना चाहिए, अगर नहीं करोगे ना तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड के ना मतलब बच्चों का मामा बन के रहना पड़ जाएगा, क्या बोलते हो? हाँ जी। सूरज, मैं चाहती हूँ तुम इस सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दो मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। कितनी देर लगाती, अगर आज तुम नहीं आते ना तो ये जहर पी के मैं अपनी जान दे देती। नहीं दे पाते क्योंकि तुम्हारी जान मुझ में अटकी है,
मेरे सपनों की रानी। झूठे कहीं के। नहीं, ये सच है। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ और तुम मेरे दिल में। श्री 420। लो देख लो, अफसाना मोहब्बत का। अब जाना कि हम आपके हैं कौन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। जीजा जी। क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बहुत टाइम से बताना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी की वजह से ना आपने मुंह पे दही जमा के रखा हुआ है, बताओ। इलायची जी, आपको कैसे पता चला कि हम आपको कोई बात बताना चाहते हैं? वो हमें लगा कि थोड़ा अजीब लगेगा आपको अगर बताएंगे तो। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा यार, बता के तो देखो क्या पता मैं वही सुनना चाहती हूँ, प्लीज। पक्का है इलायची जी? पक्का। वो दरअसल हम दरअसल आप बाथरूम जाना चाहते थे। यार ये चीजा जी भी ना मतलब सच में मूवी देखने गए थे, बैंड बजा दी मेरे मूड की, मतलब ऐसे बैठे हुए थे ना जैसे इनके सर पर ना किसी ने बंदूक देके रखी हो, बुद्ध जैसे। इलू यार, लेकिन तू कौन सा बंदूक से कम है। इलू बंदूक की गोली वाली सेल्फी। आओ। बहुत दाद निपोर रही थी। हाँ बेटा, मतलब खुद तो पिंटू के हाथ में हाथ डाल के समोसे खा रही थी और मैं वहां मतलब पॉपकॉर्न के डब्बे में से मुंह ही घुसेड़ लूं अंदर। मतलब जीजा जी मतलब ऐसा मतलब पनिशमेंट दे रखी है कि मेरे साथ बैठना है उन्हें, हद होती है यार। इलू मुझे लगता है तूने वो कहावत नहीं सुनी कि चाकू तरबूज पे गिरा तरबूज चाकू पे गिरे, बात डिट्टो सेम होती है। इलू यार, अगर उन्होंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा तो उनका हाथ पकड़ लेती। एक मिनट, मैं कोई इतनी डेस्पो नहीं हूँ, मतलब एक आई लव यू बोलने से क्या उनकी जबान पे छाले बढ़ जाएंगे। इलू तो भूल गई उन्होंने देखो आई लव यू बोला तो है, मतलब मानो उनकी जब मेमोरी लॉस हुई थी तब बोला, पर बोला है। याद कर तो कैसे मंदिर के सामने जाके एकदम प्रे करते करते थैंक यू बोल बोल के पागल हो गई थी, सेंटी हो गई थी कितनी तू। हाँ बोला था आई लव यू, वो आई लव यू जो इन्हें खुद को याद नहीं होगा कि कब बोला था। अरे मैं तो चाहती हूँ एकदम तरीके से बोले, मुझे प्रपोज करें अच्छे से, मैं एक लड़की हूँ यू नो, एक लड़की। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, संगीतकार का सपना लेकर आए थे लेकिन लहंगे के घेरे के पीछे छुप गया है। और अब यार ये प्यार के नाड़े से लटक के ना अपने सुरों का गला नहीं घोटना चाहते हम, उससे नहीं होगा ये प्यार व्यार। अरे भाई प्यार तो हो गया ना, अब तेरे करने ना करने से थोड़ी होता है। देख भाई मैं तुझे कह रहा हूँ कि इस प्यार की गाड़ी को अगर तू आगे बढ़ा के मंडप तक ना ले जाएगा तो कोई फायदा नहीं, टाइम तो खराब हो गया ना। हैं भाई मैं तो कह रहा हूँ सोच ले एक बार, फिर से सोच ले ठंडे दिमाग से, कहीं ऐसा ना हो तू लटका रह जाए और वहाँ इलायची जी किसी और की हो जाए। तो समझ ही नहीं रहा है भाई, इलायची जी का हाथ किस मुंह से मांगे यार, अपना ठिकाना है नहीं और बने चले इलायची जी के साथ आशियाना बनाने। तो क्या दिक्कत हो गई हा? इसी मुंह से मांग तू रिश्ता। अबे यार इलायची जी के पास कौन सी पैसे कमी है, और फिर जो इलायची जी का वो तेरा उसमें क्या। अबे मैं लूटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार तू सोच, इकलौती बेटी है सेठ जी की, और फिर सेठ जी ऐसे ही थोड़ी विदा कर देंगे, कुछ ना कुछ तो ठूसी देंगे तेरे मुंह में। तू क्या बकवास कर रहा है यार। अरे मैं कह रहा हूँ कि यार सेठ जी इतना तो दे ही देंगे कि तुम दोनों का गुजारा जो है ना बहुत आराम से होगा, मजे में, बहुत पैसे वाली पार्टी है भाई। जब तक हम इलायची जी की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं बन जाते तब तक हम उनसे शादी की बात नहीं करेंगे बस। अबे कौन से जमाने में जी रहा तू यार, है तुझे कुछ पता ही नहीं भाई, आज के जमाने में सब एक बराबर हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, और फिर प्यार में तो वैसे ही सब बराबर होते हैं यार। इलू देख मॉडर्न जमाना चल रहा है, वैसे भी तेरे होते तो जीजा जी को किसी और का होने भी नहीं देने वाली, तू जानती है ना ये। हाँ यार मुझे लगता ना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, जीजा जी मुझे आई लव यू बोलने, इसके लिए मुझे उन्हें बेचैन करना पड़ेगा, मतलब मुझे उनका चैन चुराना पड़ेगा इसके लिए। You know what I mean, Sindhu? I know what you mean, Ilu. अब देख अगर सुनीता जी मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है
मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तू पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है, कोई करे यार, काम होना चाहिए। अरे दीपक का फोन आ रहा है, बात कर। हाँ दीपक, हेलो। हाँ हेलो, हाँ। अरे बाहर जाके कर ले बात है यार। हाँ एक सेकंड, नेटवर्क नहीं आ रहा। चले। हाँ बस एक सेकंड, अब आ रही आवाज। हाँ आ रहा है। हाँ हाँ मैं सुन सकता हूँ। हाँ बोलना भाई, क्या हुआ? क्या? अरे यार ये तो बहुत बुरी खबर दी काका जी, अब ये भी नहीं पता चला कि उन्हें क्या बीमारी है। नहीं नहीं यार, हम सब तेरे साथ हैं भाई। देख भाई, अब जब पता चल गया कि काका जी ज्यादा दिन रहने नहीं वाले हैं, तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर। ये जीजा जी इतनी रात को किससे बतिया रहे हैं? जाते जाते उन्हें कतई ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी कोई कामना अधूरी रह गई, समझ रहे भाई? उन्हें बस खुश रख भाई। तू रो मत भाई, हम सब तेरे साथ हैं भाई। तुझे कोई भी जरूरत हो तू बस एक कॉल कर दे, तेरा भाई आ जाएगा, समझा? ध्यान रख, बाय। शाबाश मेरे बछड़े, ये तो बछड़ा खुद शेरनी के शिकंजे में आ फंसा है। वेरी गुड जीजा जी, I'm so proud of you. Life में तंत्र हो रखे आपकी।